है आपका बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। फडणवीस और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ ली। उद्धव ठाकरे शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे, जहां पर एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। फडणवीस अजीत पवार ने ली विधायक पद की शपथ। उद्धव ठाकरे शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, लंबे समय से सियासी जंग चल रही थी। आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में एक बार नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। फडणवीस अजित पवार ने ली विधायक पद की शपथ। उद्धव ठाकरे शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित दुबे हमसे जुड़ रहा है। अमित, महाराष्ट्र की सियासी जंग अब थम गई है, उद्धव ठाकरे बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए जंग थम गई है और खासतौर पर सामना जो की शिवसेना का मुखपत्र है उस पर तीखे व्यंग आज जो है वो खासतौर पे छपे हैं, जिनका लगातार जिक्र हो रहा है। हालांकि विधानसभा की बात करें तो जैसा कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आज 8 बजे शुरू हो गया है, और अब जो है लगातार जो है विधायक शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद जो है वो उद्धव ठाकरे जो है वो अपने नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने जाएंगे, जहां पे राज्यपाल से हालांकि औपचारिक मुलाकात कही जा रही है, क्योंकि पहले ही शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है। और दूसरी बड़ी चीज की कल शिवाजी पार्क मुंबई, क्योंकि शिवसेना ये दिखाना चाहती है यहाँ पे कि बीजेपी की तरह वो गुपचुप तरीके से शपथ नहीं ले रही, यही वजह है कि कल शिवाजी पार्क में 6:30 बजे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सीएम के रूप में शपथ लेंगे। जी अमित, तो महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी यही बात आ रही है, एक डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस का होगा, दूसरा डिप्टी सीएम जो है वो शिवसेना का एनसीपी का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले जो चर्चाएं थी वो अजीत पवार को लेके थी, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार बीजेपी के साथ गए उसके बाद वापस आए, तो अब अजीत पवार को शिवसेना एनसीपी में क्या भूमिका मिलती है ये देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें खास तौर पे सीएम और 2 डिप्टी सीएम जो है वो शपथ लेंगे। जी अमित, तो विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और फडणवीस और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ ले लिए। और हमारे साथ के न्यूज पर जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र जी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की और एनसीपी के गठबंधन से सरकार बन गई है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? ये देखिए, जिस तरीके से गैर संवैधानिक और अराजक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को मारा है। जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इस सरकार का सभी को स्वागत करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के कल के निर्णय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो रही है, उद्धव ठाकरे एक ऐसे नेता है जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है। आज की डेट में उद्धव ठाकरे जी एक पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तमाम विधायक तमाम एमपी जीतते हैं, तौर पर उनका अनुभव कांग्रेस का अनुभव और शिवसेना क्या नाम एनसीपी का अनुभव सरकार चलाने के काम आएगा और जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।
जी सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन इस चुनाव में शरद पवार की अहम भूमिका रही है। निश्चित तौर पर शरद पवार मराठा सरदार के रूप में उभरे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इस उभार में मराठा नेतृत्व में कहीं ना कहीं वीर सावरकर को भी पीछे छोड़ दिया है। निश्चित तौर पर उनकी भूमिका एक चाणक्य के रूप में रही है और एक अभिभावक के रूप में सरकार को चलाने में उनकी पूरी मदद रहेगी। जी सुरेंद्र जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, देखिए पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो खासतौर पे विशेष सत्र बुलाया गया और विधानसभा की कार्रवाई 8 बजे ही स्टार्ट हो गई। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद फिर अजीत पवार, उसके बाद फिर बाला साहेब जो कि कांग्रेस के नेता है, 8 बार के जो है वो एमएलए है, और लगातार इसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ शपथ ग्रहण समारोह का जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है। और इसके बाद जैसा कि मैं बता रहा था कि राज्यपाल से खुद उद्धव ठाकरे मिलने जाएंगे और कल के प्रोग्राम की रूपरेखा तय होगी। हालांकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से पहले ही तय कर लिया गया है कि शाम को, कल शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी बड़ी चीज कि हालांकि दूसरी तरफ की एक तरफ सामना जो है वो बीजेपी की तरफ सीधा निशाना साध रहा है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस खुद, उनका जो बयान आया उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेमेल सरकार यानी अलग अलग राहों पे चलने वाले लोग जो है वो साथ में आए, किस तरह सरकार चलेगी उन्हें नहीं लगता कि 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन फिलहाल जिस मुहिम को लेकर शिवसेना आगे बढ़ी थी कि शिवसेना का ही सीएम होगा, तो वो बातें सब तय हो चुकी है और कल उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम के रूप में शपथ लेंगे। जी अमित दुबे जी, ये एक राजनीतिक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि हम वैसा महाराष्ट्र बनाएंगे जैसा छत्रपति शाहू जी महाराज ने सपना देखा था। देखिए ये सारी चीजें जो है क्योंकि खासतौर पे इस तरह की बातें जो है वो मीडिया में कही जाती हैं और इस तरह के जब कोई सीएम या बड़े पद पे शपथ लेता है तो इस तरह की चीजें आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की महाराष्ट्र की जो सरकार चलेगी उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा, तो जाहिर तौर पे शरद पवार के हाथ में होगा क्योंकि शरद पवार का ही एक अहम योगदान था, चाहे वो सोनिया गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस को साथ लाने की बात हो या उद्धव ठाकरे के साथ। तो उद्धव ठाकरे के लिए राह जो है वो आसान नहीं रहने वाली है, खासतौर पर भले ही तीनों पार्टियां दावा करें कि गठबंधन जो है वो 5 साल के लिए नहीं, आगे आने वाले 25 साल के लिए है या 30 साल के लिए है, लेकिन सभी जानते हैं जो कई विशेषज्ञों से भी हमारी बात हुई है तो राजनीति में सभी जानते हैं कि अब जिस तरह से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में आए तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के लिए आसान राह नहीं होगी। डिसीजन लेने में भी कहीं ना कहीं किस तरह का प्रेशर महसूस होगा, ये सरकार चलेगी तो आने वाले वक्त में चीजें धीरे धीरे खुल के सामने आएगी। हालांकि तीनों पार्टियां इस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कह रही है कि एक तैयार किया गया है और जो चीजें अभी तैयार नहीं हुई है उन्हें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लाया जाएगा जिसके आधार पर सरकार काम करेगी। दूसरी बड़ी चीज की जब सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा तो इसके बाद फिर मंत्रियों के बंटवारे को लेके भी कई सारी चीजें जो है वो सामने आएगी। और सबसे बड़ी चीज कि किसके मंत्री कितने होंगे वो चीज इंपॉर्टेंट उतनी नहीं होगी जितना कि जो बड़े मंत्रालय, चाहे वित्त की बात करें, सिंचाई की बात करें, शहरी विकास की बात करें, तो जो बड़े मंत्रालय वो किसके खाते में जाएंगे उसे लेके एनसीपी जो है वो कितना दबाव अन्य दलों पे डाल पाती है, ये भी चीजें जो है वो निकल के सामने आएंगी। क्योंकि ज्यादातर बड़े मंत्रालय जो है वो एनसीपी लेने की कोशिश करेगी क्योंकि शरद पवार जो है वो लगातार, चाहे उद्धव ठाकरे हो या सोनिया गांधी हो, हर एक के टच में है। कांग्रेस से अगर बात करें तो कांग्रेस का उस तरह का नेता शरद पवार के लेवल का कोई भी नेता जो है वो महाराष्ट्र में सामने नहीं दिखता है जो कि अपनी बात इस दबाव के साथ शिवसेना या जो गठबंधन बना उस गठबंधन के माध्यम से अपनी बात रख सके। जी अमित, बिल्कुल, अब फिलहाल कमान तो उद्धव ठाकरे के हाथ में है और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं। महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। फडणवीस और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ ले ली है और शाम को उद्धव ठाकरे शपथ लेंगे।